नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, अस्थमा का उपचार बताएं। तो अस्थमा यानी कि दमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, चलने फिरने में सांस भर जाना, बैठे बैठे सांस फूल जाना। तो अस्थमा की प्रॉब्लम मेनली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वालों को हो जाती है, धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है, बाहर का खाना, तली फली चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा लेना, या फिर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे किसी को पुरानी खांसी रही हो, सूखी या बलगम वाली, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हों, तो अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो अस्थमा के लिए आज बहुत ही बेहतर एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस BC2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के हिसाब से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।